सर्वधर्म संभाव की पुरानी दिल्ली में हर एक मजहब और मत को खुली हवा में सांस लेने की आजादी रही है, तो एक दूसरे के बहुत करीब या यूं कहिए एक दूसरे के साए तले फलने फूलने का अवसर भी मिला है। तभी तो इस चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद को सभी धर्मों का घर और सभी मजहबों के प्रमुख पूजा स्थलों का केंद्र बताया जाता रहा है। शाहजहानाबाद के बसने के साथ साथ ही मंदिरों और मस्जिदों का साथ साथ निर्माण प्रारंभ हो गया था। यहाँ के पूजा स्थलों का विशेष महत्व, मान्यता और मार्गदर्शक स्थान रहा है और चांदनी चौक के पूजा स्थलों से समूचे देश को संकेत, संदेश और निर्देश मिलते रहे हैं। इसलिए इन पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लाल किले के सामने विशाल जामा मस्जिद इंसानियत और नेक नियति का पैगाम दे रही है। थोड़ी दूर पर लाल जैन मंदिर जियो और जीने दो का संदेश देता है। इसी के सामने सुप्रसिद्ध आर्य समाज मंदिर अंधविश्वास को समूल नष्ट करने का संकल्प देता है। इसी से चंद कदम दूर करुणा और दया का सार्वभौमिक संदेश चर्च से मिलता है। चांदनी चौक में इसी स्थान के पास सुप्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। चांदनी चौक के खुले बाजार में सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले गुरु तेग बहादुर के बलिदान स्थल पर गुरुद्वारा सीसगंज स्थित है, तो दूर एक छोर पर फतेहपुरी मस्जिद भी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस रास्ते पर फुटपाथ पर भी छोटे छोटे मंदिर दिखाई दे जाते हैं। हर एक गली कूचे में भी मंदिरों और मस्जिदों में धार्मिक गतिविधियां दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चांदनी चौक की फिजा हर एक मजहब के लिए माफिक है और यहाँ हर एक धार्मिक पूजा स्थल को दूसरे मजहब के लोग भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो अपने पूजा स्थल को देते हैं। इन सभी पूजा स्थलों में से एक पूजा स्थल ऐसा भी है जहाँ कई दशकों से अंधकार, अंधविश्वास के विरुद्ध रचनात्मक अभियान निरंतर जारी है। ये पूजा स्थल भी है और सामाजिक चेतना फैलाने का अनूठा केंद्र भी है। फतेहपुरी मस्जिद के निकट नया बांस का आर्य समाज मंदिर बरसों से आत्मबल और आत्मशुद्धि प्रदान करने का केंद्र बना हुआ है। इस आर्य समाज मंदिर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्र प्रेम की अविरल धारा का प्रवाह किया और लोगों में देश प्रेम का संचार किया। स्वतंत्रता आंदोलन और नए राष्ट्र की विकास यात्रा का ये मंदिर प्रत्यक्ष दर्शी रहा है। ओम, ये ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर ओम बना है, उस नाम से परमात्मा के अनेक नाम आते हैं। ओम नाम से ही आर्य समाज के अस्तित्व का पता चलता है। इस आर्य समाज मंदिर में भी ओम की महिमा का प्रभुत्व दिखाई देता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र से प्रकाशवान आर्य समाज एक ऐसा रचनात्मक आंदोलन है जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण और तार्किक विकास में सहायक है। अविद्या का विनाश और विद्या में विस्तार और सत्य को ग्रहण करना तथा असत्य का त्याग इसके 10 नियमों में से प्रमुख हैं। आर्य समाज के अनुसार सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी गुरु स्वामी विरजानंद से शिक्षा ग्रहण की। इस आर्य समाज में नित्य प्रतिदिन संध्या, हवन,
और यज्ञ किए जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्ने आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स्वदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विषाविधेम। यज्ञ करने से पहले स्वयं को शुद्ध किया जाना भी आवश्यक है। अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रृण्वै श्री श्रेतां स्वाहा। अग्नि प्रज्वलन से यज्ञ की शुरुआत होती है। यज्ञ से जहां वातावरण शुद्ध और स्वास्थ्य के अनुकूल बनता है, वहीं इससे मानसिक शांति भी मिलती है। ओम आयंतरिमे आत्मा जासिने अभ्याजु होतन स्वाहा। यदमग्नि किन्नमः ओम सुषमिता वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए आर्य समाज में वेद और वेद आधारित साहित्य की अनेक पुस्तकें रखी गई हैं। आर्य समाज राष्ट्रवाद की प्रखर उज्जवल धारा का नाम है और इस आर्य समाज मंदिर में देशभक्तों और क्रांतिकारियों को ठहरने का स्थान मिलता था। क्रांतिकारियों में से विशेष रूप से जिनका इस समाज के रजिस्टर में नाम आता है वो भगत सिंह जी थे। बाबा रामचंद्र जी यहाँ सेवक होते थे। उन्होंने बतलाया कि भगत सिंह आए, आकर के ठहरे, कुछ बातचीत की, फिर ठहरे। ठहरने के पश्चात बाबा रामचंद्र रजिस्टर में नाम पता नोट करते थे। तो भगत उन्होंने कहा भगत सिंह जी ने कि सुबह कराएंगे बाबा, अब तो हम थके हुए आए सोएंगे। सो गए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके जब वो जाने लगे कि बाबा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा दाल बन रहा है। बन गई, बोले हाँ लाओ एक कटोरा दाल दे दो हमें। वो एक कटोरा दाल उन्होंने पी ली। पीने के पश्चात अपना कम्बल ओढ़ के बाबा से कहने लगे बाबा अब ले आओ रजिस्टर, अब हम तो जाते हैं और हमारा नाम आप ये लिखो कि भगत सिंह आया था और मैं रात भर ठहरा था। बस उतर गए वो। तो ये उनका विशेष परिचय है। जब बाबा ने बताया कि इस तरह से भगत सिंह आए थे, क्रांतिकारी थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कम्बल ओढ़ा हुआ था और एक कटोरा दाल मैं पिला सका, लेकिन
जब भगत सिंह था तो वो सोचते रहे तूने खाना क्यों नहीं खिलाया है, पूछा क्यों नहीं, ये वो सब बात सोचते रहे। लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, वो सीधे ही नीचे उतर गए, क्योंकि क्रांतिकारी थे, उनको किसी की गिरफ्त में नहीं आना था, और आर्य समाज के वो एक तरह से उन्हें पता था कि यहाँ मेरी हर तरह से मदद होनी है। तो इस तरह से बहुत से क्रांतिकारी इस समाज के संपर्क में आए हैं और रहे हैं। हमारे आर्य समाज में और भी बहुत सारे उपदेशक हुए हैं, उनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी भजनोपदेशक थे कंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर। उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके 5 पद मुझे याद हैं कि आर्यों तुमको तड़पना भी है तड़पाना भी है, आग बनना ही नहीं है आग बरसाना भी है, महर्षि ने की है दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, चौंकना है तुमको और दुनिया को चौंकाना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं संदेश तुमको वेद का, वेद के संदेश को घर घर में पहुंचाना भी है। कब तलक देखा करोगे जौहर अपनी टेक के, उठ के इस तलवार के जौहर को, उठके इस तलवार के जौहर को चमकाना भी है। आर्य समाज सदैव सामाजिक सेवाओं में अग्रणी रहा है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्य समाज ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। इस समाज ने बहुत से सेवा कार्य किए हैं, जैसे सन 47 में जो गुड़गावा था उस क्षेत्र में लोग घिरे हुए थे, उजड़े हुए थे, विस्थापित थे, उन सब लोगों में जाकर उन्होंने स्थापना की, उन लोगों को सहयोग दिया, और जिन लोगों का संघर्ष हुआ वहाँ पर उनकी मरहम पट्टी करना, ये इस समाज के लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा वहाँ जाने पर। साथ साथ जब भी कभी बाढ़ आई, जब भी कभी भूकंप आया, पाकिस्तान बनने से पहले क्वेटा में एक बार भूकंप आया था, क्वेटा में जाकर के इस समाज ने सार्वदेशिक स्तर पर दोनों ने मिलकर बड़ा कार्य किया था। उस समय यहाँ के लोगों ने आर्थिक सहयोग विशेष रूप से किया था, क्योंकि यहाँ व्यापारिक केंद्र है, यहाँ से बहुत सा धन इकट्ठा करके सार्वदेशिक को भेजा और वहाँ से क्वेटा में बड़ी सेवा की थी आर्य समाज नया बांस ने। आर्य समाज में मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। आर्य समाज एक ऐसा पारस है जो इसके संग आ मिलता है वो सोने जैसा शुद्ध और खरा दिखाई देता है, तभी तो इसके अनुयायी कई कई दशकों से यहाँ आकर मन की शांति प्राप्त करते हैं। मैं करीब 50 साल से इस संस्था जुड़ी हुई हूँ। हमारा विचार पहले सनातन धर्मी था, फिर हम ससुराल में आए तो हमारा विचार यहाँ हुआ और हमें अच्छा लगा, स्वामी जी के बारे में सुना, पढ़ा लिखा दे तो हमें लगा कि हाँ ये विचार हमारे अच्छे हैं और हमें इसमें आगे आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। बाकी हमारे परिवार में सभी सदस्य हैं, सभी मेंबर इसी संस्था जुड़े हुए हैं, अच्छा नए मंदिर से, और यहाँ पर सबका आना जाना विचार सबको बहुत अच्छे लगते हैं, और चारों वेदों में हमें पूरा विश्वास है, जो इसमें पढ़ते हैं तो हमें कोई कोई शब्द इसमें बहुत अच्छा लगते हैं और अपने जीवन में धारने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर बचपन से आती हूँ, यहाँ मुझे संस्कार और अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, और यहाँ पे मैंने एक मंत्र भी सीखा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नया बांस आर्य समाज मंदिर का अपना ही अलग महत्व है, इसकी बनावट और साज सज्जा सादगी में भी विशेषता प्रदर्शित करती है। इस आर्य समाज मंदिर के साथ महान लोगों का संबंध रहा है। आर्य समाज मंदिर नया बांस आज भी सत्य, ज्ञान और प्रकाश के प्रचार प्रसार के काम में जुटा हुआ है और चांदनी चौक की विरासत का अभिन्न अंग बना हुआ है।